Hey guys, welcome or welcome back to my channel. This is Jay Karma, back after a very, very, very long time. I am again off to Benares. Last time I went with my friends, college friends, for a fest. And this time I'm going with my family, but I again made a vlog. So I hope that you guys will enjoy this. And yeah, let's just start the video. गर्मी कैसी है गाइस? बहुत भयानक गर्मी है और अभी सिर्फ 10 बज रहे हैं, इतनी तेज धूप है. So we started our trip with Durga Mandir, followed by Benares ki lassi and chaat. Not gonna lie, this was so beautiful. मतलब कि ये पूरे मंदिर का best part लगा मुझे. बहुत गर्मी है भाई साहब. ढक के चल रहे हैं. Next stop है हमारा संकट मोचन. दो मंदिर हो गए हैं ना? गाइस इनको पहचान पा रहे हैं आप? नहीं पहचान पाएंगे. This fort was built in 1750 and the best part is yahan ka museum. Jisme they have kept lot of good stuffs like vintage cars, us time ke kings and queens ke outfits, guns, pistols, swords, silver and gold jewelries and very rare and antique stuff. So it's a must visit jab bhi aap Ramnagar fort jao. So don't miss the museum. Ganga Ghat from the Ramnagar Fort, and the tunnel feels so relaxing. इधर बैठ जाना. इधर दिस इज गंगा घाट. नाइस. अभी हम लोग निकले हैं कुछ खाने पीने की जगह देखने. लंच के लिए रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं.
आरती के बाद वी बुकड अ कैब। जो ड्राइवर था ही वॉज़ वेरी वियर्ड। एक तो हाफ पे उसने कोई कॉन्स्टेबल बैठा लिया सेइंग दैट ही नीड सेफ्टी एंड ऑल, बट 5 to 7 मिनट्स ऑफ राइड ही बचे थे हमारे। सो मी एंड माई मॉम थॉट कि चलो थोड़ा सा बचा है, लेट्स जस्ट फर्स्ट रीच दी होटल सेफली, एंड जो कि हम पहुँच गए थे। सो या दैट वॉज वेरी वियर्ड एक्सपीरियंस। इट इज़ डे टू ऑफ आर बनारस ब्लॉग, एंड सबसे पहले हमने किया मॉर्निंग में काशी विश्वनाथ जी के दर्शन, एंड जब तक हमने दर्शन वगैरह किया एवरी वन गॉट हंगरी, तो हमने सबसे पहले कड़क चाय पी, एंड उसके बाद इट्स टाइम फॉर अ बोट राइड। लास्ट मोमेंट में गाड़ी से बाहर निकाल दिया। तेजी से बोलना, बहुत ही खराब लग रहा है। हम लोग ने उबर बुक करी, एंड हम लोग ने कल भी 5 लोग बैठे जो कि अलाउड नहीं होता, बट उन्होंने एक्स्ट्रा चार्जेस ले करके बैठा दिया था। बट अभी जिस हमने बुक करी है उस चीज़ से मना कर दिया, तो उसमें भी मेरे भाई मम्मी भी गए हैं, तो मैं मेरा कज़न यहाँ वेट कर रहे हैं ताकि कुछ और हमें मिल जाए तो फिर हम जाएँ, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो गया है चेकआउट का। चाबी भी हमारे पास है, एंड कितना टाइम हो गया। फाइनली वी गॉट वन ओला, मिल गया। ओके सो या लेट्स होप कि ये भी आ जाए, क्योंकि बहुत बहुत दिक्कत हो रही है ट्रांसपोर्टेशन की, लोकल ट्रांसपोर्टेशन की भी और ओला एंड उबर। फाइनली ओला की है कि उबर? हमारा नेक्स्ट स्टॉप है सारनाथ मंदिर। हम पहले मंदिर सारनाथ मंदिर, और हमने कर दी है उबर बुक, चेकआउट कर दिया है, हमारा सामान हमने क्लॉक रूम में रखवा दिया है, एंड वी आर वेटिंग फॉर अ उबर। यहाँ पे तो इतना ट्रैफिक है, कई बुकिंग हमारे तो सिर्फ ट्रैफिक की वजह से कैंसिल। यार ऐसा हो नहीं मुझे आ रहा है। सारनाथ बुद्धिस्ट टेम्पल, वी हैव गॉट अ लोकल गाइड। जब भगवान गौतम बुद्ध जब फर्स्ट टाइम आते हैं ये जंगल पर, अपने जो 5 शिष्यों को जो पहला उपदेश दिए हैं वो सारनाथ में दिए हैं। इस जगह का नाम है सारनाथ।
गाइड भैया हमें डिक्टेट कर रहे हैं, कुछ यहाँ के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि सारनाथ में सबसे पहले उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने, उसी के बारे में और पूरी हिस्ट्री बताते हैं पूरे टूर के साथ। 1 से 1.5 घंटे का टूर है और उन्होंने पूरे ग्रुप का सिर्फ 150 चार्ज किया है, जो कि आई थिंक इज वेरी नॉमिनल। देवी और सज्जनों बहुत गर्मी है, हमने टेम्पल देख लिया है, इतनी देर प्यास लग रही है मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, और हम नेक्स्ट जा रहे हैं स्तूपा देखने, एंड उसका पता नहीं गार्ड भैया बताएंगे, चला नहीं जा रहा है। एंड ये एक जैन मंदिर है, श्री दिगंबर जैन मंदिर, ये रहा स्तूपा। वैसे तो ये एरिया बहुत सुंदर है लेकिन मेरी हालत ख़राब हो रही है गर्मी की वजह से भाई साहब। बहुत चल रहा है यार। दिगंबर आपने फर्स्ट में टेम्पल देखा है, बस खाने पीने की भी जगह है, जैसे मेला टाइप का लग रहा था उस टाइप का है। नेक्स्ट भी हमें पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, तो ये कि सुनसान नहीं है, खाने पीने की चीज़ें मिलती रहेंगी। अरे यार मैं पीछे रह जाती हूँ, संस्कारी बाबू लग रही हूँ। भैया अब हमें हैंडलूम वीविंग मशीन दिखाने जा रहे हैं, जिससे भी इससे पहले आपने देखा, जो कि कारीगरों को गिफ्ट करी थी थाईलैंड और इंडियन गवर्नमेंट ने, तो यहाँ पे बताएंगे कैसे होती है। यहाँ पे एक घर है जहाँ पे ये सब होता है, वीविंग बनारसी सूट साड़ी वगैरह की। ओके लेट्स गो एंड सी। अच्छा चलो, हमारे पास तो जरा से सुनते रहिएगा, सुनते रहेंगे। ये जो डिजाइन है ये दुल्हन साड़ी का डिजाइन है, बट इसमें रेड हो जाता है तो दुल्हन हो जाता है, या फिर कॉफी कलर बना है, बट ये जो डिजाइन बन रहा है ये कार्ड का डिजाइन है। ये कार्ड देखिए मशीन में जा रही, मशीन से धागा बदी है, जो कि पुराने ज़माने में कटोर कभी डाट के ताना और बाना। ऐसे ही मशीन जो है गवर्नमेंट ने दिया है 7,500, जो साड़ी सूट स्टॉल दुपट्टा ला के यहीं पर जमा होता है। बट ये साड़ी जो आप देख रही हैं ये उल्टा है, इसके नीचे सीधा होता है। ये देखिए हैंडलूम में यही पहचान होती है, ओके ताना है, किसी के ताना बोलते हैं, और ये बाना बता चुके हैं, ये ताना ये जरी, है हाँ, ये बाना, ये बाना है, और ये जरी, और ये जरी है, ये जरी ताना बाना जरी, ठीक है चलिए हाँ, याद तो रहेगा ताना बाना जरी। ये सब यहीं की बनी है साड़ियाँ, currently we are in Mr. DIY in this HPV mall, ऐसे ही टाइम बिताना है क्योंकि हमारी ट्रेन 8:40 की है। They got some really nice collection, I might buy a thing or two from here. क्या गाना बजा रहे फूड मार्ट में
इसकी जरूरत पड़ेगी तुम्हें। बचाने की